नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 3 HP 2.5 किलोवाट की मोटर, चक्की मोटर को रिवाइंड करने का तरीका। जी दोस्तों, 36 स्लॉट की 3 HP की मोटर है, और इसके अंदर हम पहले रनिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, इसका डेटा मैं आपको बता देता हूं। रनिंग का जो पिच है उसका बता देता हूं। सबसे पहली कॉइल 1 से 4 में डलेगी, ठीक है, बड़ी 1 से 6 में, फिर उसके बाद 1 से 8 में, फिर उसके बाद 1 से 10 में, ठीक है दोस्तों। तो 4-4 कॉइलों के 4 सेट हैं रनिंग में, और 3-3 कॉइलों के 4 सेट हैं स्टार्टिंग में, ठीक है दोस्तों। वो सभी कॉइल छोटी बड़ी हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक साइड आप डाल लीजिए कहीं भी। कनेक्शन आपको लेफ़्ट हैंड की तरफ रखना है, सॉरी, इनर तार जो होता है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ रहना चाहिए। आपको दूसरी साइड से भी हम दिखा देंगे कि कॉइल किस प्रकार से डालते हैं। 2 स्लॉट बीचों बीच छोड़ देने हैं। पहली छोटी जो कॉइल होती है 1 से 4 में डालनी है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके डेटा की, तो मैं इसका डेटा आपको दे देता हूं। मैंने पिच बता दिया रनिंग की 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 है, और स्टार्टिंग की 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9 है, ठीक है। रनिंग में टोटल 4 सेट हैं, 4-4 कॉइलों के, और स्टार्टिंग में 4 सेट हैं 3-3 कॉइलों के। अब बात करते हैं गेज की। तो रनिंग के अंदर जो गेज है वो है 19.5, और स्टार्टिंग में 22.5, ठीक है, 22 से 22.5 तक यूज कर सकते हो आप। इसमें 22.5 है। अब बात करते हैं टर्न की। तो रनिंग के अंदर सबसे छोटी कॉइल 1 से 4 में जो डली है उसके अंदर टर्न है 30, 1 से 6 वाली जो इससे बड़ी डलेगी उसमें 40, उससे बड़ी में 50, और सबसे बड़ी में 25, तो ये टर्न है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर सबसे छोटी के अंदर टर्न है 30, उससे बड़ी में 35, उससे बड़ी में 45, ठीक है दोस्तों। 3 HP की मोटर है, 2.5 किलो वाट की, और स्टेटर साइज इसका 3 इंच है, और स्टेटर की गोलाई है 5 इंच, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली डेटा मैंने दे दिया। और ब्रांड की बात करें तो किसी भी तरह का ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, इस तरह की मोटर आपके पास है तो इस तरह से आप रिवाइंडिंग कर सकते हैं, इस डेटा से आप रिवाइंडिंग कर सकते हैं। लोकल मोटर है, चाइनीज है, ठीक है। अब इससे बड़ी कॉइल हम डालेंगे 1 से 6 में, इसके जस्ट ऊपर, इससे बड़ी। अब कॉइल का गैप मैं बता देता हूँ, जो छोटी कॉइल होती है उससे जो बड़ी कॉइल होगी वो 2.5 इंच का गैप है, ठीक है। किसी में 2 इंच का होता है, किसी में 2.5 का होता है, तो इसमें 2.5 इंच का गैप है दोस्तों हर कॉइल के अंदर। तो सबसे छोटी जो कॉइल है रनिंग की उसका साइज है 11.5 इंच, उससे बड़ी 2.5 इंच बढ़ जाएगी, उससे बड़ी उसमें 2.5 इंच प्लस कर लो, उससे बड़ी में 2.5 इंच प्लस कर लो, तो इस तरह से कॉइल का साइज बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग की सबसे छोटी जो कॉइल है वो है 12.5 इंच की, ठीक है दोस्तों, और उससे बड़ी 2.5 इंच प्लस कर लो, उससे बड़ी में 2.5 इंच प्लस कर लो, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली डेटा मैंने आपको दे दिया है दोस्तों। चक्की मोटर, कोई भी चक्की मोटर हो जिसका स्टेटर साइज इस तरह का हो, 36 स्लॉट में हो और 3 HP में हो, तो उसे आप इस डेटा से इस तरह से रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेटर साइज बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उसका डेटा चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हमने 2 कॉइल इंस्टॉल कर लिए हैं रनिंग के, पहले सेट की 1 से 4 में छोटी कॉइल, बड़ी 1 से 6 में, अब उससे बड़ी 1 से 8 में हम डालेंगे।
दोस्तों पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया था कि कागज कैसे लगाते हैं, पीवीसी सीट कैसे इंस्टॉल करते हैं मोटर के अंदर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें। और एक वीडियो बनाई थी जिसमें ओपन करके दिखाया है मोटर को कि किस तरह से आप खोल सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो अगला पार्ट है वो आ रहा है इसी मोटर की वाइंडिंग के ऊपर, उसमें हम बताएंगे कि स्टार्टिंग कॉइल कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपको पहला ये पार्ट है वाइंडिंग का, तो इसमें हम बता रहे हैं कि रनिंग कॉइल कैसे इंस्टॉल करते हैं। वैसे डेटा हमने आपको कंप्लीट दे दिया है। अब मोटर की पिछली साइड से भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से घुमाव रखना है। तार डालने के लिए आपको एक बांस की लकड़ी की मदद से आप इस तार को डाल सकते हैं। आप एक काम कीजिए, बांस की कोई भी एक लकड़ी से एक फरचट निकाल लीजिए और उसको ग्राइंडर से घस लीजिए, ग्राइंडर या रेती से घिस लीजिए और उसका आप यूज कर सकते हैं। उसे ऐसा बना लीजिए आगे से कि स्लॉट के अंदर आराम से वो चली जाए और तारों को दबा दें। कोई भी आप नुकीली चीज़ चाकू वगैरह यूज मत कीजिए, तार कटने के चांस रहते हैं, छिलने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो छोटी कॉइल 1-4 में, बड़ी कॉइल 1-6 में, उससे बड़ी 1-8 में, उससे बड़ी 1-10 में। तो इस तरह से चारों कॉइल इंस्टॉल हो जाएंगी, चारों कॉइल का एक सेट इंस्टॉल हो जाता है रनिंग के अंदर। टोटल 4 सेट इंस्टॉल होंगे रनिंग के और 4 ही सेट इंस्टॉल होंगे स्टार्टिंग के। स्टार्टिंग में हर सेट में 3-3 कॉइल हैं और रनिंग के अंदर 4-4 कॉइल हैं। स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी कम तार डाला जाता है और पतला तार डाला जाता है क्योंकि उसके अंदर परमानेंट करंट नहीं दिया जाता। इन मोटरों में एक कैपेसिटर लगाया जाता है MFD का, उसका काम होता है कि वो एक बार उसमें करंट दे दे बस। क्लिच प्लेट का काम होता है करंट को कट करना, मतलब एक बार उस स्टार्टिंग के अंदर करंट जाता है, मोटर चलती है और फिर उसका काम बंद हो जाता है कैपेसिटर का। तो ये रनिंग पे चलती है, बाद में स्टार्टिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब मोटर के राउंड कम हो जाते हैं और कम होने पे फिर से स्टार्टिंग काम करने लगती है। तो इसमें क्लिच प्लेट का रोल होता है, जब मोटर कम स्पीड पे होती है तो क्लिच प्लेट कार्य करती है, जब मोटर के राउंड तेज हो जाते हैं तो क्लिच प्लेट हट जाती है जिससे करंट का कनेक्शन कट जाता है कैपेसिटर वाले करंट का। तो इसमें कैपेसिटर का यही काम होता है कि एक बार बस वो धक्का लगा दे, मोटर को चला दे, ठीक है दोस्तों। और कई तरह की एक अलग तरह की मोटर होती है जिसके अंदर दो तरह के कैपेसिटर लगते हैं, एक तो झटके वाला जिसको MFD बोलते हैं, एक UF वाला जो कि परमानेंट करंट देता है। तो उनके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो कई ब्रांड की ऐसी मोटर होती हैं कि उसमें परमानेंट रनिंग के अंदर करंट डाला जाता है कैपेसिटर के थ्रू, जैसे पंखे वगैरह में करंट जाता है स्टार्टिंग में ऐसे, ठीक है। रनिंग में तो परमानेंट रहता ही है, स्टार्टिंग में भी परमानेंट डाला जाता है, ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर के थ्रू। लेकिन इसमें सिर्फ रनिंग के अंदर परमानेंट होता है और स्टार्टिंग में एक बार करंट डाला जाता है। तो इस तरह से एक के ऊपर एक कॉइल इंस्टॉल करनी है और दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि घुमाव किस तरफ होना चाहिए। देखिए मैं वैसे एक बार आपको बता देता हूँ, हमने जो इनर तार निकाला था लेफ्ट हैंड की तरफ था, ठीक है, और कॉइल का जो आउटर है वो लास्ट में जो निकलेगा वो राइट हैंड की तरफ निकलेगा, यानी कि घुमाव है लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है। हर कॉइल में लेफ्ट से राइट की ओर जाना चाहिए, यानी कि सबसे छोटी जो कॉइल डाली है उसका जो पहला तार है वो इनर तार वो लेफ्ट हैंड की तरफ रहना चाहिए, और फिर उस कॉइल से पहली कॉइल से जो तार निकलता है वो दूसरी कॉइल के राइट साइड में जाना चाहिए, और फिर दूसरी कॉइल का जो लेफ्ट साइड से निकलता है फिर अगली कॉइल के राइट में जाना चाहिए। इस तरह से घुमाव है।
ठीक है, मतलब जैसे कॉइल बनाते हैं तो वैसे के वैसे आपको सीधे के सीधे डालने हैं, ठीक है। जैसे बने कॉइल बनाने के बाद वो दिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से उसका घुमाव रखना है। और मैंने डायग्राम की भी वीडियो बनाई थी, उसमें घुमाव वगैरह सब कुछ बता दिए हैं कि किस तरह से तार घूमता है, किस तरह से घुमाव चलता है, घुमाव होता है ये, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। मैंने चक्की मोटर के वाइंडिंग डायग्राम की जो वीडियो बनाई है उसमें ये सब बताया है दोस्तों। और इसमें मैंने 10 नंबर पेपर यूज किया है, पीवीसी शीट स्लॉट पेपर जिसको आप बोलते हो, तो 10 नंबर बहुत ज़्यादा बेटर रहता है, जलता नहीं है जल्दी सी और मोटा होता है, मजबूत होता है। दोस्तों रनिंग के अंदर गेज की बात करें तो 19.5 इसके अंदर डाला जाता है और स्टार्टिंग के अंदर 22 से 22.5 डाला जाता है, इसके अंदर 22.5 है। अब देखिए मोटर को इस तरह से पटक लीजिए, लेफ्ट राइट में कोई साइड पटक सकते हैं। अब आपको गिनना है जिस जो कॉइल आखिरी डली थी वहाँ से गिनना है, 10, 8, 6, 4 चार वाले स्लॉट में आपको डालना है, ठीक है। उस साइड से गिनना है जहाँ पे कॉइल लास्ट कॉइल डाली गई थी पहले सेट की, तो वहीं से ही नोट करना है। जहाँ पे लास्ट वाली डली हुई है 1 से 10 वाली, तो उस वहाँ से नोट करना है 10, 8, 6, 4 तो 4 वाले स्लॉट में कॉइल का सिरा, अपनी नई अगली कॉइल का सिरा आप डाल सकते हैं। और फिर उसके बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ देने हैं और 1 से 4 आपका पिच बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि डायग्राम पे मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी डाल रखा है, तो उस वीडियो को आप अगर आपको कोई समस्या आ रही है देखने में या आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ डायग्राम वाली वीडियो ज़रूर देख लें। जो वाइंडिंग डायग्राम है वो सिंगल फेस 3 HP चक्की मोटर का 36 स्लॉट वाली का लगभग सबका सेम होता है। दोस्तों आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और इसके कारण मेरा मोबाइल जो है वो हीट हो गया है, ओवर हीटिंग दिखा रहा है। और जब ओवर हीटिंग मोबाइल होता है तो थोड़ा सा हैंग होने लगता है, कैमरा भी हैंग होने लगता है, अटक अटक के चलता है। वैसे 6 GB इसके अंदर रैम है, 64 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, वैसे बहुत बढ़िया एक काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन हीट होने के बाद बहुत ज़्यादा MI का है तो बहुत ज़्यादा हीट होता है दोस्तों ये, क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है वो स्टील टाइप की होती है। पहले जो मैं वीडियो अपलोड करता था वो माइक्रोमैक्स के मोबाइल से अपलोड करता था तो उसका कैमरा भी बहुत बढ़िया था, लेकिन उसकी बैटरी कम चलती थी, मुझे बहुत परेशानी होती थी वीडियो शूट करते वक्त, वीडियो बनाते वक्त बैटरी बहुत ही जल्दी लो हो जाती थी, इसलिए मैंने मोबाइल को चेंज कर दिया है। दोस्तों हमने एक दूसरा चैनल भी स्टार्ट किया है हाल ही में और उस पे हम मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि किस तरह की जो मार्केट में जो भी मिलने वाली दवा है, जो भी दवाई आ रही है लेटेस्ट, उसके बारे में हम बताते हैं कि अंग्रेजी दवाई हो या फिर आयुर्वेदिक दवाई हो या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन हो, किसी भी प्रकार की दवा हो तो उसके बारे में हम बताते हैं कि किस काम आती है और इसके क्या क्या
साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और किस किस को लेनी चाहिए, किस किस को नहीं, कितने प्राइस में मिलती है और कहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, कैसे लेना है, डॉक्टर की राय से लेना है या सीधा डायरेक्ट ले सकते हैं, तो वो सब हम बताते हैं उस चैनल पे। और उस चैनल का नाम आयुर्वेदिक बाबा जी हमने रखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे नाम सर्च किए लेकिन मुझे कोई नाम अच्छा मिला नहीं, तो मैंने सोचा आयुर्वेदिक बाबा जी इसका नाम रख दिया जाए। दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमने इस चैनल के फीचर चैनल में जोड़ रखा है। जब आप हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी के फीचर चैनल में जाओगे या अबाउट में जाओगे हमारे चैनल के, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। फीचर चैनल में आपको चैनल मिल जाएगा और अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर हम काफ़ी सारी मेडिसिन के बारे में वीडियोस अपलोड करेंगे। काफ़ी वीडियो मैंने अब भी अपलोड कर रखी है। और दोस्तों मैंने इस चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें बताया था कि नींद की बीमारी क्या होम्योपैथिक इलाज ट्रीटमेंट। दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो है बहुत, लेकिन देखी नहीं है भाइयों ने, लगभग 800 व्यू के लगभग उस पर आए हैं। तो मैंने वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया था, उसमें सारी चीज़ें बताने की कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों का भला हो सके। देखिए दोस्तों, अगर आपको नींद नहीं आती है या कोई प्रॉब्लम है तो आपको अंग्रेज़ी दवाई या अल्पेरोजोलम जैसी टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक होम्योपैथिक जो कि आयुर्वेद जैसी ही होती है, होम्योपैथिक जैसे आयुर्वेद होता है ऐसे ही होम्योपैथिक होती है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपको दिन के अंदर 20 बूंद लेनी है, मैंने उसमें सब कुछ बता दिया है, टोटल बता रहा हूँ, टोटल दिन के अंदर 20 बूंद लेनी है और आप एक गहरी नींद लेंगे, अच्छी नींद आपको आएगी और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी उसका नहीं होगा। तो आपको अगर नींद की प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, दो वीडियो छोड़ के इसके नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो और भी बढ़िया बढ़िया जो भी चीज़ें होती है, बढ़िया बढ़िया जो दवाइयाँ होती है जिससे लोगों को भला हो सके या जो कारगर होती है, उनके बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगा और इस चैनल के ऊपर भी कभी कभार अपलोड करूँगा। जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है उसकी वीडियोस में इस चैनल पे ज़रूर लेके आऊँगा दोस्तों। और मैंने कहा था कि और भी कई तरह की परेशानियां हमारे भाइयों को होती हैं, तो उनके ऊपर भी मैं कोई अच्छी सी दवा जो होती है, लेटेस्ट दवा है जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं या होते नहीं हैं, तो इस तरह की वीडियोस में लेके आता हूँ। होम्योपैथिक में काफ़ी अच्छा उपचार होता है, आयुर्वेदिक में होता है। और बात करें अंग्रेज़ी दवाइयों की, तो मैं नफ़रत करता हूँ अंग्रेज़ी दवाइयों से, सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ कितनी साइड इफ़ेक्ट देती हैं, तो साइड इफ़ेक्ट कोई इलाज नहीं होता, इलाज तो करती हैं लेकिन जब तक खाते हैं तब तक वो इलाज करती हैं। देखिए मैं अच्छी से अच्छी दवाई आप लोगों, दवाई की वीडियो मेडिसिन के बारे में जानकारी आपको उस चैनल पर दूंगा, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देता हूं, अगर आपको नींद नहीं आती है या आपको लगता है कि किसी भी दवाई से आपको नींद नहीं आएगी, तो आप उस वीडियो को देख ले, आप मुझे कमेंट करेंगे, कहेंगे कि बहुत बढ़िया, धन्यवाद करेंगे आप लिखेंगे थैंक यू, ये मेरा दावा है दोस्तों। इतनी अच्छी दवा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, मैंने खुद टेस्ट किया है। और जिन जिन भाइयों को या घर परिवार में जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है नींद से रिलेटेड, तो उसको मैंने सभी को बताया है उस दवा के बारे में, बहुत अच्छी कारगर दवा है, तो वीडियो आप ज़रूर एक बार देख लें। आपके परिवार में हो सकता है किसी को समस्या हो नींद न आने की, तो
उससे निजात पाने के लिए वो वीडियो ज़रूर देख लें। दोस्तों, हमारे दो सेट इंस्टॉल हो चुके हैं, बिल्कुल सेम तरीके से इंस्टॉल करने हैं। दो दो स्लॉट बीच में छोड़ने हैं छोटी कॉइल के, 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 में इंस्टॉल कर लेने हैं। टोटल 4 सेट रनिंग के इंस्टॉल होंगे और इसके कनेक्शन की वीडियो भी हम आपको बना के देंगे। देखिए, डायग्राम पे वीडियो हमने पहले डाल रखी है कि कनेक्शन डायग्राम कैसे हैं और कैसे कनेक्शन करते हैं, पहले भी हमने डाल रखी है, लेकिन एक बार फिर से हम अपलोड कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने कनेक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, कनेक्शन डायग्राम वाली, तो वो ज़रूर देख लें। काफ़ी सारी मोटरों की हमने कनेक्शन डायग्राम पे वीडियो अपलोड की है। देखिए, जो आपको वीडियो में प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि कभी जूम हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, और ये बीच बीच में ब्लर हो रहा है, तो एक कैमरा जो मोबाइल है जो हिट होने की वजह से कैमरे में समस्या आ रही है। तो मैं थोड़ा सा मोबाइल को बंद करके दोबारा से इसको चला दूंगा तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है और मैंने पहले मोबाइल को धूप में रख दिया था तो लू भी चल रही थी और उसके कारण ये ज़्यादा हीट हो गया, और एक बार हीट हो जाए तो बहुत देर में ठंडा होता है। तो MI के ज़्यादातर मोबाइल में ये प्रॉब्लम है कि हीट ज़्यादा होते हैं। तारों को दबाने के लिए दोस्तों एक ब्लेड का यूज किया जाता है, वो ब्लेड तारों को छीलती नहीं है, काटती नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप उसे बना सकते हैं आराम से और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। उसे आप को किसी भी मोटर में यूज कर सकते हैं। तारों को दबाने में अगर आपको परेशानी होती है तो आप उस ब्लेड का यूज कर सकते हैं। उसको कैसे बनाना है उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। दोस्तों, जैसे पहले हमने इंस्टॉल किया था दूसरा सेट और पहला सेट, बिल्कुल उसी तरह से तीसरा सेट आपको इंस्टॉल करना है। पीछे के जहाँ पे कॉइल डली हुई है, लास्ट वाली, आखिरी वाली, वहाँ से आपको गिनना है पिच, ठीक है। अब यहाँ पे आप दूसरी साइड से देख लो कि घुमाव कैसे है। तो देखिए, यहाँ पे आपको राइट साइड आपको एक तार निकला नज़र आ रहा है, तो ये राइट साइड वाला तार हर कॉइल के राइट साइड से ही निकलना चाहिए, ठीक है। इस कॉइल के राइट से निकल रहा है तो सभी के राइट से निकलना चाहिए जो अगली कॉइल में जुड़ा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए और बस यही मेन है, इसी से आपका घुमाव ठीक रहेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये तार राइट से निकल रहा है और लेफ़्ट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और ये मोटर की हम दूसरी साइड से आपको दिखा रहे हैं।
अब ध्यान से देखिए इस घुमाव को, मैंने स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी स्लो चल रही थी और लंबी भी हो रही थी, तो मैंने इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया है। अगर आपको वाइंडिंग करते वक्त कोई भी समस्या हो, डेटा वगैरह मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, और अगर आपको वाइंडिंग करते वक्त कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो वाइंडिंग डायग्राम वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें, तो उससे आपका जो भी डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और कनेक्शन डायग्राम पे भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और दोस्तों, मोटर का तार कैसे निकालते हैं, मैंने एक भी इस तरह की वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, तो मैं जल्द आसान कोई भी आसान तरीका आपके सामने लेके आऊँगा एक वीडियो में, उसमें बताएंगे कि किस तरह से आप तारों को निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से और मोटर के स्लॉट भी ख़राब ना हो। ठीक है, दोस्तों मैंने काफ़ी सारे पार्ट बनाए हैं इस मोटर के ऊपर, तो आप सभी लोगों से, सभी भाइयों से, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी पार्ट को आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों में शेयर करें, ताकि आप अपने घर पर ही मोटर की रिवाइंडिंग कर सके। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, खर्चे की बात बता देता हूँ कि कितना खर्चा आता है इस मोटर को रिवाइंड करने में। देखिए, जो पुराना तार होता है वो तार आप मार्केट में निकाल के लेके जाते हैं, तार वाले से देते हैं, वो आपको आपका वेट उसका वेट करता है तार का, और एक नया तार आपका जो डेटा निकलता है पुराना उसी के हिसाब से आपको बना के दे देता है उतना ही। ठीक है, तो 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है और पूरा रिप्लेस करता है वो, और कुछ पैसे आपसे लेता है। तो आपको टोटल रिवाइंडिंग का जो खर्चा होता है, जिसके अंदर पेपर, तार, स्लीव सभी को मिला के जो होता है इसमें, वो होता है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये। और इसको रिवाइंडिंग करने का जो मार्केट प्राइस है दोस्तों, जो मार्केट में लेते हैं इसके पैसे, वो हैं 1200 से 1300 या 1400 रुपये तक रिवाइंडिंग का। अगर इसमें कैपेसिटर प्रॉब्लम है या क्लिच प्लेट में दिक्कत है या कुछ और अदर प्रॉब्लम है, तो उसका अलग से चार्ज लिया जाता है। तो आप अपने 1300 ही लगा लो, तो आप अपने 1300 से 300 कट कर दो। अगर खुद आप रिवाइंडिंग करते हो तो आप 1000 रुपये अपनी मोटर पे बचा सकते हो, घर पे रिवाइंडिंग कर सकते हो।
और बात करें पीवीसी शीट की, स्लॉट पेपर की, कागज़ की, तो आप 10 नंबर ही पेपर यूज कीजिए और आप प्लास्टिक वाले बिल्कुल यूज मत कीजिए। वो होता ऐसा है कि कई बार मोटर हीट हो जाती है और गर्मियों में ज़्यादातर हीट होती ही है, हीट होके जलती। देखिए जलती जब है जब आपके कागज़ पिघल जाते हैं, उससे पहले मोटर नहीं जलती है। तो ये कागज़ जल्दी से नहीं पिघलते हैं और वो तुरंत पिघल जाते हैं, और जैसे ही कागज़ पिघलते हैं हमारा ये मोटर का तार है वो स्टेटर से टच होता है और आग पकड़ लेता है। तो आप कभी भी प्लास्टिक के पेपर यूज मत कीजिए। आप प्लास्टिक वाले पेपर उस तरह की मोटर में यूज कीजिए जो ज़्यादा हीट नहीं होती है, ठंडी होती है। आप पंखे वगैरह में, कूलर वगैरह में उसका यूज कर सकते हैं। कूलर बहुत ज़्यादा हीट होता है, एक बात ध्यान रखिए। 24 स्लॉट का जो कूलर होता है, जो किट होती है, वो बहुत ज़्यादा हीट होती है। अदर कूलर फराटा वगैरह ये इतने हीट नहीं होते हैं, बहुत कम हीट होते हैं। मधानी वगैरह हीट नहीं होती है, तो इसमें आप इस पेपर का यूज कर सकते हैं। वैसे आजकल काफ़ी सारी मोटरों में वाइट पेपर का यूज किया जाता है प्लास्टिक वाले का, क्योंकि उसको मोड़ना आसान होता है, उसको डालना आसान होता है और वो आराम से डल जाता है। देखिए नीचे की तरफ जब हम कागज़ इंस्टॉल करते हैं पहले स्लॉट में तो वो आसानी से डल जाते हैं, लेकिन ऊपर जब हम कागज़ लगाते हैं ये ऊपर, तो थोड़े कठिन डलते हैं। इसलिए प्लास्टिक वाला अगर आप ऊपर की तरफ यूज करते हैं तो बहुत ही आसानी से वो डल जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर प्लास्टिक वाले पेपर का यूज करते हैं, शीट का यूज करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बड़ी मोटरों में आप इस तरह के पेपर ही यूज कीजिए। और समरसीबल में आप सिर्फ उन्हीं के कागज यूज कीजिए जो आते हैं साइज में, और वाइट पेपर ही आप यूज कीजिए, क्योंकि जब तक समरसीबल मोटर के अंदर पानी रहता है वो हीट नहीं होती है। और उसमें आप मोटा पेपर यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर स्लॉट में इतनी जगह नहीं होती तार डालने की। तो उसमें आप जितना कागज़ उसके अंदर आते हैं उसी हिसाब से आप कागज़ लगाइए, उसी मोटाई के हिसाब से आप कागज़ का यूज कीजिए। दोस्तों इस तरह से हमने सभी चार ग्रुप को इंस्टॉल कर दिया है। दोस्तों अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे इसकी स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करने के बारे में, तो अगला पार्ट आप ज़रूर देखें। और उससे अगला जो पार्ट आएगा उसमें इसकी फिटिंग, कॉइलों की फिटिंग, कॉइलों को कैसे सेट करते हैं, फिर उस पर कैसे ये धागा मारते हैं, और ये कैसे उसमें कागज़ फिट करते हैं, कैसे उसके कनेक्शन करते हैं, वो सब बताएंगे। तो ये पहला पार्ट है दोस्तों, दूसरा पार्ट आप ज़रूर देखिए और तीसरा पार्ट भी आप ज़रूर देखिए। तो बहुत ही मेन पार्ट है। वाइंडिंग तार डालना आसान होता है, लेकिन फिटिंग वगैरह में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो मोटर जल जाती है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। कनेक्शन वगैरह अगर ठीक से ना हो तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, मोटर जल सकती है। स्लीव वगैरह ठीक से ना लगे तो भी बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगला पार्ट ज़रूर देखिए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। जय हिंद जय भारत।